शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। इस फिल्म का पूरे एमपी में विरोध हो रहा है। फिल्म का विरोध पहले हिंदुवादी संगठनों ने शुरू किया, लेकिन अब उलेमा बोर्ड ने भी फिल्म पठान को रिलीज ना करने की मांग उठाई है। एमपी उलेमा बोर्ड ने इस फिल्म का बायकॉट भी किया है। उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष की माने तो इस फिल्म के अंदर अश्लीलता फैलाई गई है और उसमें इस्लाम का गलत प्रचार प्रसार किया गया है। शरई रूप से मैं जो बात इस्लामिक नुक्ता नज़र से ये बताना चाहता हूँ कि शाहरुख खान जो हैं वो अभी हाल ही में उम्रा करके वापस आए हैं। उन्होंने अपने फ़ोटोज़ भी वहाँ पे वायरल किए, अपलोड किए सोशल मीडिया के ज़रिए और सबको ये बताया। तो ये और यहाँ आने के बाद पठान एक कास्ट है जो मुस्लिम कम्यूनिटी से आती है, बड़े गयूर कौम है पठानों की और बड़े अच्छे उनके खान अब्दुल गफ्फार जो हैं वो जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे। पठानों की एक बड़ी तारीख रही है, उन्होंने ऐसे अय्याश नाचने गाने वाले पठान कभी नहीं गुजरे पठान कौम के अंदर। जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर ये जो अश्लीलता फैलाई जा रही है, जिस तरीके से नंगापन दिखाया जा रहा है, इस्लामिक नुक्ता नज़र से सरासर गलत है। ये दोहरी पॉलिसी है, इसको निफाक कहते हैं कि कहना कुछ और है अमल कुछ। एक तरफ आप बता रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप उमरा कर रहे हैं, आप बड़े नेक हैं, बड़े इस्लाम को फॉलो करने वाले, दूसरी तरफ आपकी ज़हनियत ये है कि इस्लाम का, मुसलमानों का, पठानों का तारुफ आप इस तरीके से करवा रहे हैं। क्या ये खुदा न खास्ता ये कौम नाचने गाने वाली है? तो इसलिए मेरी तो गुजारिश ये है कि उनको कलमा पढ़ना चाहिए दोबारा, शाहरुख खान को। और हज कमेटी से भी मैं कहूँगा, जो उमरा के लिए भेजते हैं उनसे भी कहूँगा, एम्बेसी से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों पर भी वहाँ के वीज़ा इनको मिलने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसी मूवियों का, ऐसी फिल्मों का सभी लोग विरोध करें, पूरी कौम हमारी, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों मुसलमान रहते हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। इस्लाम का एक जो परिचय कराया गया है, मुसलमानों का जो परिचय कराया गया है, पठानों का जो परिचय कराया गया है, वो सरासर गलत है। इस फिल्म को लेकर एमपी सरकार पहले से ही शाहरुख खान पर हमलावर है। अब राज्य विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गिरीश गौतम ने पूछा है कि आखिर हिंदू प्रतीकों का अपमान कब तक चलेगा? हमारा गुस्सा इसलिए है कि बार बार हिंदू धर्म या सनातन धर्म पर ही इस तरह के हमले क्यों होते हैं? हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास क्यों किया जाता है? हमारे धर्म को हीन दिखाने का प्रयास क्यों किया जाता है? मेरा गुस्सा इस बात का है। आखिरकार मैं सीधे सीधे कहता हूँ, हालांकि मैं उसका भी विरोधी हूँ, हमारी देवी को, हमारी जिसका हमारी दुर्गा देवी को जिसके लिए लाखों लोग पूजा करते हैं, अपनी जीभ तक काट करके देखते, उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उसी तरह से इसमें जो दृश्य दिखाया गया, पीला वस्त्र ही को चुना गया। पीला वस्त्र हमारा आज का नहीं है, कोई किसी पार्टी का नहीं है, ये भगवान राम के त्रेता युग में इसका उपयोग हुआ, द्वापर युग में इसका उपयोग हुआ, शिवाजी ने इसको अपने साथ रखा। ये हमारे हिंदू प्रतीक है ये, और उस पर हमला करना मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से जितना भी विरोध हो सके करना चाहिए। और वो इसलिए करते हैं, ये वैचारिक हमला है, वो इसलिए करते हैं, वो जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, आक्रामक नहीं है, गुस्सा कर सकता है पर हमला नहीं कर सकता। परंतु अब जागरूकता आ गई है और निश्चिंत रहें, इस तरह का भाव पैदा होगा तो ये भी होना कोई असंभावी नहीं है, हो सकता है ये। मैं दूसरी बात एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि उस दृश्य को लेकर भी देखे ना, कितना परोसोगे आप समाज के भीतर? और मैं तो चुनौती देता हूँ उसको, हमारे हीरो को, जो उसका हीरो है, वो अपनी बिटिया के साथ देख करके, वो सीन देख करके बतावे हमको कि हमने देख लिया बिटिया के साथ बैठ करके। आपको बता दें कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर हिंदूवादी संगठन गुस्से में है। इस फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है और अब फिल्म के बायकॉट की मांग उठने लगी है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट एमपी तक।